ये कह रहा था कि आपके भाई ने टॉप कर लिया है, खुशी हुई? अभी भी नहीं, आपके भाई ने टॉप किया यार, खुशी तो होनी चाहिए, नहीं हो रही तो भाई, खुशी हो नहीं रही, लेकिन आपके भाई ने फाइनली टॉप कर लिया है। कैसा लगा मेरा मजाक? माफ करना मैं इधर। ये हमारा कॉलेज का गेट है, देख सकते हैं गाइस कितनी मतलब इस टाइम पे एडमिशन्स वगैरह चल रहे हैं। हाँ, यहीं बैठ के हम लोग फॉर्म फिल करेंगे, कैंटीन एरिया है ये, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। आप ऑफिशियली कोई भी वर्क कर सकते हैं, ये कुछ बाहर से ऐसा कि दिखता है, और इसका नाम है मुस्कान कैंटीन, कैंटीन यानी मुस्कान कैंटीन। ये कुछ है हमारे डिपार्टमेंट का, यहाँ पे वर्क वगैरह चलता है, हम लोग फॉर्म वगैरह फिल करते हैं। 9 नंबर 10 नंबर जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट का काम होता है। और फॉर्म सबमिट करने के बाद फिर हम आपको देंगे यहाँ का कॉलेज का टूर, यानी हमारा जो कॉलेज है कैसा दिखता है और क्या क्या है, इसका टूर देंगे आपको। तो चले फिर। फैमिली आज बिल्कुल भी भीड़ यहाँ पर नहीं है, और बहुत ही कम भीड़ में यहाँ पे हम लोग का फटाफट फॉर्म यहाँ पे मिलते हैं, फॉर्म एडमिशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह सारे मतलब यहाँ पे मिलते हैं, और ये नंबर 6 और यहाँ पे जमा हो रहे हैं। देखिए लाइन में लगा है वहाँ पे एडमिशन ले रहा है। फैमिली हम आपको अब कॉलेज टूर देने वाले हैं। भाई इनको एक दोस्त मिल गया, अभी हुआ नहीं है इनको, अभी मिल गए इनके दोस्त और ये इनसे मिलने लगे, और यहाँ पे कुछ बच्चे गाइस देखिए ये लोग अपनी मेरिट वगैरह चेक कर रहे हैं। पहले आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है, अगर नाम आता तो आप एडमिशन फॉर्म लेंगे। एडमिशन फॉर्म जब आपको मिल जाएगा फाइनली, तो एडमिशन फॉर्म लेने के बाद फिर आप आते हैं आगे, तो यही कुछ है छोटी मोटी सी मतलब प्रोसेस वगैरह रहती है, और एडमिशन हो जाता है। और ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा कॉलेज, ये देख लीजिए मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल सा कॉलेज है। जूलॉजी यानी कि ये पूरा बीएससी का डिपार्ट है, इस डिपार्ट से हम गुजर रहे हैं। देखिए जूलॉजी लेबोरेटरी ऑफिस है इधर, ये पूरा जो एरिया है जूलॉजी का है, और ये है कमिटी हॉल पीछे। ये कमिटी हॉल यहाँ पर जितने मतलब कोई मतलब बाहर से अगर आता है, सब कमिटी हॉल में सारे फंक्शंस वगैरह कराए जाते हैं, सब बैठते हैं और मीटिंग वगैरह सब चलती रहती हैं, तो यहाँ पर सारा सब काम होता है। और अभी क्लासेस वगैरह ऑफ चल रही हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको सन्नाटा दिख रहा है इस साइड में, वहाँ पे उस उधर हैं एडमिशन वगैरह चल रहे हैं, तो इसलिए वजह से काफ़ी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो आए हैं। बाकी इधर का जो है पूरा का पूरा सारा देखिए, इधर सारा क्लोज है, इधर पूरा बंद चल। यहाँ पे इतनी मतलब इतनी भीड़ क्यों है, ऐसा क्या है मतलब इतने लोग क्यों आ रहे हैं भाई, क्या हो गया, उसी क्या हो गया, इतने सारे बच्चे एकदम से क्यों, किधर से कहाँ से? ओ भाई मतलब समझ गया मैं, इनके एक्चुअली ये एग्ज़ाम इनके शायद चल रहे हैं आप कॉलेज में हाँ वगैरह देने आए, तो उधर ही पे प्रिंसिपल सर वगैरह सब अपने टीचर से वहाँ पे खड़े हुए थे। तो यहाँ पे एक्चुअली एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, और एग्ज़ाम्स कब तक चलेंगे उसका मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि BA BSc और कौन कौन से और जितने भी इस टाइप के डिपार्टमेंट हैं। हाँ भाई इनसे मिलिए, ये सर मतलब क्लास देने के लिए आए हैं यहाँ। मतलब कुछ BA BSc वाले जो बच्चे होते हैं उनके सबके यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह मतलब इंक्वायरी वगैरह इंक्वायरी करनी है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे कुछ नए रूम नंबर हैं, तो यहाँ पे सारी इंक्वायरी वगैरह हो जाती है, फॉर्म्स मिल लेना फॉर्म्स मिल जाते हैं, एडमिशन फॉर्म तो उस साइड में उधर मिल रहे हैं। फैमिली और फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं इधर ही आया था एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पर अनमोल सर हमारे बैठे हुए थे, उनसे बातचीत की थी कि हमारा BBA का है कंजूटी पर, यहाँ पे मतलब इंक्वायरी वगैरह BBA की सर यहाँ पे हमारे बैठते हैं। यहाँ पे बिल्कुल मतलब साइलेंट रहता है, बिल्कुल साइलेंस, आवाज़ बिल्कुल नहीं करने का। ये देखिए लाइब्रेरी चल रही है क्लोज, ये कुछ प्यारी सी बातें लिखी हैं कि ये है, और ये लाइब्रेरी है रीडिंग रूम, यहाँ पे सब मतलब पढ़ाई वढ़ाई करते हैं ऐसे, आप देख लीजिए ये है रीडिंग रूम, रीडिंग हॉल वुड स्टार्ट एन इंटरनेट। ओके तो ये तो अभी बंद है, चले नीचे चले। तो ब्रो एक बार बताओ एग्ज़ाम मतलब किस चीज़ का एग्ज़ाम चल रहा है भाई? ये BA सेकंड ईयर का मेरा आज एग्ज़ाम है। अच्छा BA सेकंड ईयर आप यही हो ना? हाँ ओके, तो BA सेकंड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एंड BSc भी? BSc का शायद खत्म हो गया, तो मतलब BA लास्ट है आपका एग्ज़ाम? ये लास्ट एग्ज़ाम, ठीक है थैंक यू। तो आज यानी कि जो लास्ट एग्ज़ाम कहाँ गया शाबाश, काफ़ी बच्चे खड़े हैं यानी कि अपने जो रूम नंबर वगैरह हैं वो सब चेक कर रहे हैं, और काफ़ी दिव्यांश शुक्ला, अभी मेरी मुलाकात हो रही है मिस्टर दिव्यांश से, जो कि कॉलेज कहते नहीं आते, पता नहीं कहाँ से आ रहे, SS से आ रहे, SS में हो क्या, कहाँ से आ रहे हो?
कब से भाई? कब से कि मेरा प्राइवेट है यार। प्राइवेट डाला है। तो भाई मुझे अभी मिल गए हैं हमारे दोस्त दिव्यांश, ट्वेल्थ फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, वो स्कूल फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड यार। ओके ठीक, एग्जाम दो जाकर तुम, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना। इस टाइम पे एग्ज़ाम्स वाले सारे बच्चे आ गए, एडमिशन वाले बच्चे तो बाहर खड़े थे काफ़ी, और अभी एग्ज़ाम्स ही आने की, एग्ज़ाम देने के लिए आ गए सब लोग। आगे जाओ भाई, पेपर वाले आगे जाओ भाई, वाले गेट से हैं। हाँ पेपर वाले उधर से जा रहे हैं, सब एंट्री उधर से ले रहे हैं, सड़ा सड़ चढ़ा सट, और वो लोग एंट्री ले रहे हैं। चल पता वहाँ पे देखिए प्रिंसिपल साहब खड़े हैं यार, तो हमारा हाथ में कैमरा रहना बहुत भारी पड़ सकता है, तो कैमरे को मुझे अपनी पॉकेट में डाल लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए कैमरा मेरी जा रहा है पॉकेट में, और हम आपसे मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। गाइस सडनली मतलब इतना चलना पड़ गया, इतना चलना पड़ गया कि पैरों में दर्द होने लगा इसके, मेरे नहीं, आपका भाई बहुत मजबूत है। और ये देखो भैया फोटोग्राफी, दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफी, और क्या जबरदस्त, क्या पोजेस दिए जा रहे हैं, वाह भाई वाह, क्या पोज है ज़बरदस्त। ये देखिए शूट चल रहा है गाइस, बहुत अच्छे, फिर से और दो तीन और पोज दिखाइए ज़रा यार, पोज देखें यार, हम लोग सीख रहे हैं मतलब। अच्छा मतलब क्या रैगिंग कर रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं, रैगिंग कर रहे हैं यहाँ पे, अलाउ भी नहीं है। प्रैंक वीडियो क्या? नहीं प्रैंक भी नहीं यार, नॉर्मल से ब्लॉग शूट कर रहे हैं। अभी हमने कुछ इसके फाइनल ईयर के बच्चे मिल गए, तो इन लोगों से बातचीत करने लगे, तो ज़्यादा दोस्ती भी हो गई। आपको दिखाते हैं गाइस, कोई कार में सो रहा है गाइस, आपको देखा आपने अभी कोई बंदा, अब ये नहीं पता ये कॉलेज में मतलब क्या इसकी ड्यूटी है, क्या कर रहा है, लेकिन बट यहाँ पे ये कार में सो रहा है, इस टार्जन कार में। तो देखिए तो इस तरह से, लेकिन नहीं यार ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनका इतना काम रहता है, इतना प्रेशर रहता है, रात रात में गाड़ी भी चलानी पड़ती होगी, शायद ये ड्राइवर होगा किसी मैम का, या किसी मतलब कोई मैम, प्रोफेसर मैम या प्रोफेसर सर का, तो उसी वजह से यहाँ पे इसकी नींद पूरी नहीं हो पाई, तो इसी वजह से ये यहाँ पर सो रहा है। और ये कुछ गार्डन है हमारे कॉलेज का, आइए आपको गार्डन भी, गार्डन का फुल टूर दे देते हैं। ये हमारे कॉलेज का गार्डन है, गार्डन नहीं ये तो जंगल है, गार्डन कुछ इधर, अब आपको गार्डन भी दिखाएंगे, पहले जंगल देख लो, जंगल ऐसा दिखता है, आओ गार्डन में लेकर चलें आपको। तो फैमिली ये है हमारे कॉलेज का गार्डन, ये कॉलेज का गार्डन है, और 2 साल के बाद यहाँ पे कॉलेज के गार्डन में आए, कॉलेज तो इससे पहले आना हुआ, बट किसी काम से आए, तो काम करा और चला गया, गार्डन में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अच्छा धूप गार्डन में बहुत तेज़ लग रही है, तो हम चल सीधे हो रहे हैं भाई इधर से। नो 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 नो, आओ आपको गार्डन दिखा दी, देखा ये कुछ इस तरह से था हमारे कॉलेज का गार्डन, वो है गेट, गार्डन की एंट्री वहाँ पर से होती है। तो जाग गए अभी, आपसे मिले थे, आप सो रहे थे, हमने आपको टाटा बाबा करके चले गए थे। अच्छा तो भैया अभी नाश्ता कर रहे हैं, सुबह हुई आपकी? अरे लगता नींद नहीं पूरी हो पाई, सुबह से फिर दोबारा रात होने वही तो देखिए ऐसे ड्यूटी में ऐसे ये सब होता है। तो आप मतलब क्या मैम की गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं? हैं सर की। अच्छा तो ये प्रोफेसर सर के ड्राइवर हैं, कौन से सर? मोहसिन सर। मोहसिन सर के, अच्छा जी, तो अभी तो आप यहाँ आए, जब वो जाएंगे तो आप उनको लेके जाएंगे। हाँ कौन से क्लब? डॉक्टरी वाले? नहीं नहीं वो ये होलसेल की शॉप है, हम लोग यहाँ पर बैग लेने के लिए आए थे फैमिली, अभी इनको ग्लव्स वगैरह चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे चश्मे देख रहे हैं, बैग्स ले लिए, तो अभी आपको बैग दिखाते हैं हमने कौन से लिए, वहाँ पर बैग रखे हुए, तो दो बैग ले लिए, जिम बैग चाहिए, तो भाई आपका फिर से जिम स्टार्ट कर रहा है, तो बैग लेना जरूरी था, तो जो भी मतलब भाई स्टार्ट करता है सारा सामान पहले से लिया।